हमारी तो भाई आवाज भटकी माइक में बोल बोल कर, और ये पूंजीवाद की और किसान की लड़ाई है। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में, जहां किसानों की एक मरड़ी महापंचायत रखी गई है, जिसमें किसान संयुक्त मोर्चा और बाकी संगठनों का दावा कि लाखों लाखों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। हालांकि जो मैदान की पूरी कैपेसिटी है वो सुबह ही भर चुकी थी पूरी तरीके से। उसके बाद इस आंदोलन में अलग अलग राज्यों से लोग शामिल होने आए हैं। तो हम इस महापंचायत में शामिल हुए किसान संगठन के नेता और शामिल होने वाले किसान, आम किसान, महिला किसान और जो कुछ मजदूर तबके नौजवान जो शामिल हो रहे हैं, उनसे बात करके समझने कोशिश करेंगे इस महापंचायत के मायने क्या हैं और इसके बड़े किसान का जो आंदोलन नॉर्मल चल रहा है, उस बड़े आंदोलन में इसकी क्या भूमिका हो सकती है और आने वाले भविष्य में मिशन यूपी क्या है और मिशन उत्तराखंड के तहत क्या होने की तैयारी कर, क्या करने की तैयारी करें किसान संगठन। आइए हम कुछ किसान नेताओं से और किसान संगठन के और आम किसानों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं। इस पंचायत में हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे देश का पूरा किसान इकट्ठा हो रहा है। यदि सरकार 3 कानून वापस करती है तब तो हम इसकी नहीं, तो हम यहाँ पर एक नए पंचायत में जो सब लोग समर्थन करेंगे, जिस प्रस्ताव को रखेंगे उसमें हम सहमत हैं। और देखिए, जैसा कि मैं सुबह भी आई थी करनाल से, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, कहीं भी जो है पैर रखने की जगह नहीं है। और जैसा कि मुझे अभी पता चला कि सरकार के द्वारा ट्रेनों को भी रोक दिया गया है, कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक महापंचायत एक मिसाल कायम होगी, क्योंकि किसान आंदोलन में जो है ना रीढ़ की हड्डी बनेगी। ऐसा है, ये आज पूरे देश के कोने कोने से किसान भाइयों की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है और इस पंचायत का आने वाले टाइम के अंदर इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट होगा। आज जी जो आज की महापंचायत है जी, यूपी का को मिशन मिला है हमने यूपी में। अभी हम मोर्चे से उठकर यूपी में आए हैं। यूपी के अंदर हम जो हमारे साथ हम कानूनों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्या है, मोदी हुकूमत हमारे लिए क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट के लिए क्या कर रहा है, वो जितनी नीति है जिसने हमारे सिर कर्जा चढ़ा हुआ है, वो सारी नीति हम लेकर जाएंगे यूपी के लोगों के पास। हम इस भावना से मेरठ से इसलिए चल के आए हैं क्योंकि हमें आज यहाँ पे दिखाना था सरकार को कि ये मुट्ठी भर किसान नहीं है। यहाँ की आज आप हालत देख लो, 15 से 20 लाख है, पैर रखने की नहीं है। आज जैसा कि देख रहे हैं कि महिलाएं, मैं वहाँ देख रही थी, पूरा महिलाओं का पंडाल भरा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं ही बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म देती है। महिलाओं का अहम रोल जो है वो किसान आंदोलन में देखने को मिल रहा है। और जैसा कि 2014 में एक सफेद झूठ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया था, आज 2022 में उसका पर्दाफाश होने का समय आ गया है। लोग जो है नस्लों और फसलों की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन की महापंचायत जो आज मुजफ्फरनगर में, ये बहुत बड़ी एक कील साबित होगी। सरकार ने मजबूर होकर 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे, MSP गारंटी देनी पड़ेगी, इज्जत के साथ किसान भाइयों की विदाई करनी पड़ेगी। यूपी के लोगों को बताएंगे भी मोदी हुकूमत है भाई, कभी धारा 370 लागू करती है, कभी NRC, कभी नोटबंदी, कभी GST, पब्लिक सेक्टर को बेचने जा रही है जी हुकूमत। आने वाली चुनाव में भी आपके पास आएंगे, आपने इनको जो सजा देना वो आपने फैसला करना। ये नकारी हुई है, ये कॉर्पोरेट की है, ये बड़े लोगों की है, ये गरीबों के पक्ष में फैसले नहीं करती है, रोजगार के फैसले नहीं करेगी, इससे कोई हाथ मत रखना जी, बातें लेकर यूपी में जाएंगे। अरे भैया, हमें 27 नवम्बर से 2020 से शुरू किया था ये आंदोलन और आज 10 महीने में 9 महीने 14 15 दिन ऊपर हो गए हैं। ये जो किसान आंदोलन है पश्चिम उत्तर प्रदेश जो गन्ना बेल्ट है, यहाँ का यहाँ की किसी के बच्चे की फीस हो, किसी के बच्चों की शादी हो, सब गन्ने के पेमेंट पर निर्भर करती है। किसान बहुत परेशान है, काले कानून लाकर किसान का गला घोटने का प्रयास किया सरकार ने। ये साहब, हमारी समस्या ये है कि जो कृषि कानून है, ये तीनों किसान विरोधी कानून है, हम इसको वापस सरकार से मांग करते हैं हम कि इनको वापस करो। मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बेटी होने के कारण एक अपील है कि आज बेटियों का भविष्य अंधकार में है। आज हमारी माताएं, हमारी बहनें वो बॉर्डर पर बैठी हुई है, अपने राजनीतिक सलाहकारों की सलाह छोड़कर मेरे किसान भाइयों को जो है वो गले लगाएं, ताकि मेरे किसान भाई जो है वो घर
हंसते हंसते जाए। शुरुआत में आपने बीजेपी के समर्थन दिया था विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक होने के बावजूद आपने समर्थन वापस लिया, इसका असर आप क्या जनता में उसके खिलाफ रोष है क्या, किसके सोच के आपने? मैं अपने कर्म से सेटिस्फाई हूँ, मैं अपने फैसले से खुश हूँ, क्योंकि जिस सरकार के अंदर किसान भाइयों के साथ जाति होती हो, जुल्म होता हो, मैं किसान हूँ, किसान के घर में पैदा हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं किसान भाइयों के साथ लड़ाई लड़ूँ, इसलिए सरकार से समर्थनी वापस और चेयरमैन ने छोड़ के आज 9 महीने से लगातार कंटिन्यू किसान भाइयों के साथ। किसान नाराज है, इस देश का अन्नदाता है। चौधरी अजीत सिंह ने, चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा था देश की तरक्की का रास्ता खेत खलिहान से होकर गुजरता है, लेकिन आज ये खेत खलिहान के अन्नदाता नाराज होकर 10 महीनों से सड़कों पर बैठे हैं। 500 के आसपास देश के किसान अन्नदाता शहीद हो चुके, तो किसान यहाँ पे वोट कैसे मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को? हमारे सामने सारी दिक्कतें हैं जी, हमको MSP की ये गारंटी नहीं देते, हमारा अनाज सस्ते उस पर जा रहा है, और साहब करीब 8-10 साल हो गए गन्ने का रेट इन्होंने बिल्कुल नहीं बढ़ाया, ये सारी समस्या, डीजल पर महंगाई हो गई, जो हमारे खेत में लगने वाली दवाइयाँ हैं वो सारी महंगी कर दी इन्होंने, ये सारी समस्याएं और हैं इसके अलावा भी। जब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी तब भारत ने उसको भी गिरवी रख दिया था, आज देश की ट्रेन, देश की जो एयरप्लेन है वो सब कुछ गिरवी रखा जा चुका है। मेरे देश का जो तख्त है वो पलटने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि मोदी जी को जिस तख्त पे बैठाया है वो आज हमने ही बैठाया है। इस महापंचायत के अंदर बहुत से फैसले लिए जाएंगे और पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई इस पंचायत के ऊपर, और इसका मैसेज आएगा और सरकार के ऊपर भारी दबाव बनेगा, सरकार ने तीनों कानून माफी लेने पड़ेंगे। यूपी के साथ साथ और किन राज्यों के लिए ऐलान हो सकता है यहाँ से, या बाकी जगह चुनाव तो 5 राज्यों में, स्पेसिफिक यूपी को ही क्यों चुना गया आज महापंचायत? देखिए यूपी का तो भी फैसला है, उत्तराखंड का, उसके बाद में उत्तराखंड है, यूपी और उत्तराखंड का तो फैसला है, ये मिशन तो 1-2 महीने चलेगा, इसके बाद में कोई और दूसरी स्टेट का आ जाएगा। पंजाब में ऑलरेडी आंदोलन चल रहा है, पहले से बहुत शिखर में है, ये थोड़ा पीछे है, इस स्टेट के बाद में अगला फैसला संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में होगा तो कर लेंगे। आज देश का हर वर्ग, चाहे वो वकालत से हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट है, वो हर एक इंसान आज किसान आंदोलन में हिस्सा ले चुका है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि काले कानून रद्द करवाने जरूरी है, नहीं तो देश का भविष्य, देश का अन्नदाता, देश के देवता किसान, उनके साथ जो है बहुत दुर्व्यवहार होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ बर्बरता पूर्वक हरियाणा में लाठीचार्ज करा, उनका यहाँ से सफाया होगा, एक भी वोट नहीं मिले उन्हें। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान एकता जिंदाबाद रहेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में सब किसानों की सरकार बनेगी। पहले 2013 का एक दंगा हुआ, उसके बाद इस तरह की बड़ी पंचायत हुई थी, ये वो चीज जो थी वो एक जाति धर्म की बात थी, ये जाति धर्म की नहीं है, आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। आज MSP पर जो है कानून बनने चाहिए, काले कानून रद्द होने चाहिए, पूरे देश की आज यही मांग है, सरकार अपने षड्यंत्र का शिकार किसी को भी बनाने की कोशिश ना करे, लोग सच्चाई समझ चुके हैं, कभी भी आप लोगों की जो मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये वो किसान है, ये देश का वो अन्नदाता है जिसकी वजह से आज हम रोटी खा रहे हैं। अब बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे, उनको आप क्या संदेश देंगे, जो अब तो हो गए 9 महीने हो गए अब आंदोलन बैठा है, तो ये कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन की आवाज को सुना जाता है, द वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द कोर्ट, जनता जनार्दन की आवाज भगवान की आवाज होती है, इसलिए सरकार से मैं कहूंगा कि तुरंत प्रभाव से किसानों की बात मानते हुए इनको सह धन्यवाद विदाई करें और तीनों कानून वापस। युवा 2014 में इन्होंने बका लिए थे, इस बार नहीं बहकावे मारने के, सब एक है, जिनके पिताजी का लठ लग रहे कैसे वोट दे देंगे? सरकार से हमारी यही मांग है जी, जो हमारी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, और योगी जी ने भी ऐसे ही कुछ वायदे करे थे हमारे किसानों के लिए, लेकिन वो झूठे और कोई सच्चाई उनकी बातों में नहीं निकली। आज किसान के बच्चे विदेशों में भी मंत्री हैं, किसान के बच्चे आज IAS ऑफिसर भी हैं, IPS भी हैं, ये वही किसान है जो हमारे देश का भविष्य है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, हाथ जोड़कर अपील भी करना जानते हैं और अपने काले कानून रद्द भी करवाना जानते हैं। जय किसान, जय जवान, जय हिंदुस्तान। सरकार तो सुन ही नहीं रही संदेश क्या देवे, संदेश तो देश के इतने किसान संगठन 9 महीने से चीख चीख के कह रहे, सरकार तो इतनी बेशरम है, 500 के आसपास जवान मर गए, उन्हें क्या संदेश देवे, 2 शब्द नहीं निकले उनके मुंह से। पूंजीवाद को इस देश से बचाना है और इसका किसान का राज लाना है, क्योंकि
पूंजीवाद हमारी इस देश की धरोहर को बेचने का काम करता है। जब यह मोदी आया, जब 2% किसानों का कर्जा था, आज 100% के 100% किसान कर्ज बंद है, किसान तो बेहाल है।